अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज ईद का है सेकंड डे, और आज की जो है दावत है हम लोगों की भाई भाभी के घर, तम उधर जा रहे थे तो उधर रेडी होने लगी थी, तो आप लोगों के लिए व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ साथ साथ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने एक आंख में जो है वो लेंस लगाया है और अभी दूसरे में नहीं लगाया, और डिफरेंस चेक करें यहाँ कितनी बड़ी बड़ी लग रही है और ये कितनी। और जो लेंस का कलर है वो है जी ब्लू सा कलर है, तो मैं आपको वैसे लेंस भी दिखा देती हूँ। तो अभी बस रेडी हो रही हूँ, नहा लिया, शावर वगैरह ले लिया है, और मेरा का भी ड्रेस निकाला है, मेरा का भी मैंने अपने साथ का ड्रेस निकाला है, और मेरा का ये वाला ड्रेस है और मैंने भी ऐसे पहना है। अभी इसको भी रेडी करके आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ, और अपना भी ड्रेस और मेकअप सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। बस रेडी हो लिया, मैं लेंस लगा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये आज ये वाला कलर है जी लेंस का, लाइट में चेक करें ये, और मैं दूसरा लगाती हूँ, बैक कैम से आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो ये है जी सेकंड लेंस का कलर, और ये देखें जी ये इस तरह है, ब्लू ब्लू सा, और बहुत ही प्यारा शेड है ये, और बिल्कुल जो है मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। तो आज ये वाले लेंस लगाने लगी हूँ और फिर बस रेडी होंगी। और अभी जो मैं बेस लगा रही हूँ वो ये वाली है बीबी फेस। तो ये बस ऐसे सारे बेस मैंने हल्का हल्का से ड्रॉप्स लगा लिए हैं, बस इनको मैच करूँगी फिर आपको बेस बना के दिखाती हूँ। और बेस जो है वो हो गई है, और देखिए बिल्कुल नेचुरल सी लुक आई है ना बेस की, बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर है, और कितनी अच्छी सी बेस बनी है ना, बिल्कुल भी फर्क डिफरेंस नहीं लग रहा, हाथ और मुँह सेम ही लग रहे हैं और नेक भी। तो बेस हो गई है, अब बस बाकी ही तैयार होती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा और इसके पापा भी रेडी हो चुके हैं, यूसुफ ने भी ये वाला ड्रेस पहना है, बस अब निकलना है हम लोगों ने। और मेरा भी रेडी हो चुकी है, और इतनी क्यूट क्यूट सी, देखें जी मेरा को गोलू मोलू से ना ये चूड़ियाँ पहनाई हैं और ये वाला ड्रेस पहनाया है, और ये बस इसके ये शूज़ हैं, इसकी दादो लेकर आई थी ये, अब इसको निकलते निकलते पहनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, वो आप लोगों को दिखाती फ्रंट कैम से। और ये जी यूसुफ के ये वाले सैंडल हैं, कल बर्थडे थी आप लोगों ने आज के व्लॉग में देखा होगा, तो ये बस उनको जो है ना ये मैंने गिफ्ट किया था, और आज ये वाले सैंडल पहनेंगे। अब मैं आप लोगों को ना अपना फ्रंट कैम से मेकअप दिखाती हूँ। तो ये जी मेरा मेकअप डन हो चुका है, बस हल्का हल्का सा मेकअप किया, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि आपको पता है इन लॉज में जाना है, तो बस इसलिए हल्का सा ब्लश ऑन, और हाइलाइटर भी बहुत हल्का सा लगाया है। ये देखिए क्लोज से दिखाती हूँ, होप के नज़र आए, और साथ में लेंस और मस्कारा लाइनर वगैरह जो वो मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरा सारा काला हो जाता है इसलिए, और वैसे लिपस्टिक। और ड्रेस भी अब आपको बैक कैम से दिखाती हूँ पूरे का पूरा, तो फिर बस हम निकलेंगे। फाइनली जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हिजाब भी ले लिया है, और अब मैं बैक कैम से आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ और ज्वेलरी दिखाती हूँ। ज्वेलरी में मैंने इक्के वाला ब्रेसलेट पहना है, और इक्के वाली रिंग पहनी है, और दूसरे हाथ पर जी मैंने ये वाली एक रिंग पहनी है, और साथ में ये ब्रेसलेट मुझे यूसुफ ने गिफ्ट किया था, ईद पे ये पहना है। तो ड्रेस भी पूरा मैं दिखाती हूँ, गले में मैंने ये वाली जो है ना ये माला ऐसे पहनी है साड़ी। मैं आपको बैक कैम से पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरा फाइनल ड्रेस, ये जो ड्रेस है ये मुझे यूसुफ ने गिफ्ट किया था, और ये मैंने स्टिच खुद किया है, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने सब कुछ खुद किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था इसलिए मैंने इसको खुद सिया, क्योंकि यूसुफ ने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। तो इसके साथ जो है मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये लेस लगाई है, और इसके नीचे ये वाले खुद से पहने, और शूज़ भी मुझे यूसुफ ने ही गिफ्ट किए थे। ये वाला खुस्सा है, और ट्राउज़र का ऐसा डिज़ाइन बनाया मैंने, और साथ में ये दामन पे भी ये डिज़ाइन बनाया है, ये वाली लेस लगाई है। तो ये बस मेरा पूरा ड्रेस है, और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, बाया पहनती हूँ और बस हम जा रहे हैं, और मेरा कुछ ला लिया है, बस अभी हम निकलेंगे। और अभी हम आए हैं स्वीट सेंटर पर, है कुछ है? अभी हम लोग यहाँ आए हैं इस स्वीट सेंटर पे, और यहाँ से लेनी थी भाभी के लिए घर जाने के लिए कोई चीज़, तो देखते हैं हम क्या लेते हैं। पहले हमने यहाँ से मिठाई ली थी, वो उनको बहुत पसंद आई थी, एक ही साबु, फिर दोनों में से जो मर्जी ले लो। प्योनिया में प्रान की स्मेल तो नहीं है, फ्रेश है, ऑयल की स्मेल वगैरह तो नहीं है, स्मेल चेक करें ना, कोई स्मेल ना हो, बस पुराने तेल की स्मेल अक्सर आती है ना। सही है, ले लें फिर, ये ले लेते, एक किलो ये दे दे,
डिब्बे में डाल के देंगे ना पैकिंग वाले बॉक्स में। तो मैंने जो है वो फैनियाँ ली हैं और फैनियों का जो है डिब्बा बनवाया है क्योंकि ईद पे जाना था और फिर इसलिए डिब्बा बनवा लिया है। तो बस ये डिब्बा बना रहे हैं और फिर ये भाभी के घर लेके जाएंगे। और भाई वकास को फैनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए फैनियाँ ली, और वैसे भी छोटी ईद की सौगात होती है फैनियाँ, तो बस ये फैनियाँ ले ली हैं। और अभी हम जो जा रहे हैं, और यार रोड पर इतना रश है, इतना रश है, इतना ज़्यादा रश है, सर्कस लगी हुई है जो है ना पार्क में, और इतना रश था, इतना रश रोड्स पे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हम लोगों को पौना घंटा जो है ना सिर्फ ये रोड पे, और ये पार्क है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना कोई सर्कस लगी हुई है, और उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, लोग फुटपाथ से जा रहे थे और हम खुद भी जो है ना वो फुटपाथ से आए हैं, और बहुत ज़्यादा रश था। तो बस अभी हम लोग अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से गुजर रहे हैं, बस जल्दी से पहुँच जाएँ। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ चुके हैं भाई भाभी के, और अब बस ऊपर जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हम सब जो हैं भाभी के भाई टेरेस पे बैठे थे क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये पप्पू हैं, पप्पू आ जाए थी हमारे साथ ही आ गई थी, तो बस हम यहाँ बैठे थे मीरा को लेकर। और उसके बाद ये खाना है, खाने में भाभी ने पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। उसके बाद जी उन्होंने बनाए थे आलू कोफ्ते, वो भी बहुत टेस्टी बने थे, और चिकन था। तो बस था ये था उनकी आज की दावत, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। और स्वीट डिश में क्या था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी थी, काफ़ी अच्छी दावत थी, भाभी ने बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हम सब मिल कर जाएँ, वो खाना शाना लगा रहे थे वन बाय वन सब, और यहाँ बच्चे वगैरह सब लोग थे। जो लेडीज़ थी उनको भाभी ने रूम में खाना दिया था, और जो सारे जेंट्स थे उनको भाभी ने जो है ना बाहर बैठाया था। तो ये था आलू कोफ्ता वाला सालन, तो ये भी बहुत मज़े का था। और उसके बाद जो है दही वगैरह था, और फ्राइज़ भी थे, चिकन फ्राई भी था, वो भी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अभी बस स्वीट डिश में भाभी ने बनाई थी जी रस मलाई, ये भी बहुत मज़े की थी। तो ये थी आज की दावत, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको किस तरह का लगता है, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। बस हम घर जा रहे हैं जी, हम लोग घर आ चुके हैं। घर आके बस मैंने चेंज वगैरह किया है, काम चम थोड़ा सा था, वो धोया, बर्तन वगैरह संभालने थे, धोने थे, वो धोए हैं। तो बस फारिग हुए, अब हम लोग सोने लगे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक एंड शेयर कर दिया करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।